बिहार में शराबबंदी की वजह से लाखों लोग जेल जा चुके हैं। कोर्ट पर लाखों केस का बोझ बढ़ चुका है। इसकी वजह से पैदा हुए रिश्वतखोरी से पुलिस अधिकारी सब माला माल हो रहे हैं। इस भ्रष्टाचार की गंगा में अवैध शराब का धंधा अविरत प्रवाहित हो रहा है। आइए आज आपको हम वो बताते हैं जो शराबबंदी के दावों की पोल पूरी तरह से खोल देगी। नंबर एक, राजधानी से सटे हुए इलाके में ही चल रही थी शराब फैक्ट्री। पटना के दीघा एम्स पुल के पास खुले आसमान के नीचे ही मौत की फैक्ट्री चल रही थी, जहां हाईटेक मशीनों के जरिए देशी शराब को अंग्रेजी बनाकर उसे बोतल में भरकर बाजार में भेज दिया जाता था। नंबर दो, पटना के पौश इलाके में चल रही थी शराब की फैक्ट्री। जी हां, राजधानी के बीचों बीच ही एक मकान के अंदर धड़ल्ले से नकली शराब बनाई जा रही थी। यहां इसी मकान के अंदर प्रोडक्शन से लेकर पैकिंग तक का पूरा काम चल रहा था। नंबर तीन, पटना के भीगा थाना क्षेत्र में चल रही थी मिनी शराब फैक्ट्री। यह शराब की फैक्ट्री भी पटना के ही भीगा थाना से कुछ ही दूरी पर चल रही थी। यहां बॉर्डर फिलिंग प्लांट की आड़ में अंग्रेजी शराब का निर्माण व कारोबार हो रहा था। ये तो हो गई बस राजधानी पटना की हालत, अन्य जिलों की तो बात ही छोड़ दीजिए। बाकी जगहों पर तो शराब माफियाओं का इतना बोलबाला है कि वो पुलिस की टीम पर आए दिन हमला करते ही रहते हैं और उल्टा पुलिस को ही उनसे जान बचाकर भागना पड़ता है। दरअसल शराबबंदी पुलिस और अफसरों के लिए मोटी कमाई का जरिया बनी हुई है। ये लोग इसकी वजह से करोड़ों रुपए हर महीने बना रहे हैं और ये सब इस महागठबंधन की सरकार की छत्र छाया में हो रहा है। लेकिन अब बिहार की जनता सरकार के इस खेल को अच्छी तरह से समझ चुकी है और इसका हिसाब भी जल्द लेगी।